मैं करुणा और आपका स्वागत है माँ की रसोई विद करुणा पर। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिली गार्लिक लच्छा पराठा। ऐसी मज़ेदार सी टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप रेस्टोरेंट स्टाइल चिली गार्लिक लच्छा पराठा घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लच्छा पराठा। और इसके लिए मैंने लिया है ये 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो मैदे के आटे से भी बना सकते हैं या 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, जिसे मैंने हाथ से अच्छी तरह से क्रश कर दिया है। ये डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, इसलिए मैंने इसमें डाला है। और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और डालेंगे 1 चम्मच तेल का मोयन, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। आप इसकी जगह घी या बटर का भी मोयन डाल सकते हैं। मोयन हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 चम्मच ही हम इसमें यूज़ करेंगे। और ये मैंने अच्छी तरह से मोयन को मिक्स कर लिया है। और अब हम इसका डो तैयार करेंगे। डो हमें सेमी सॉफ्ट ही लगाना है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। पानी भी हमने रूम टेम्परेचर का ही लिया है और हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस डो को तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने ये थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस डो को तैयार कर लिया है। इस तरह से हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है और इसे हम अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए, इतना सॉफ्ट हमें इसको डो को तैयार करना है। और अब हम डालेंगे इस पर थोड़ा सा तेल और इसको डालकर हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। और इसे अब हम ढक कर 20 मिनट के लिए रखेंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। अब चलिए, जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है हम घी का पेस्ट बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून घी लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और 1 टेबल स्पून ही हमने लिया है रेड चिली फ्लेक्स। और अब हम इन सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप घी की जगह बटर भी ले सकते हैं, लेकिन बटर हमारा रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। ये देखिए, मैंने सब सामग्री अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है घी का। और चलिए हम आटा देख लेते हैं। आटे को भी 20 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार हम इसको अच्छी तरह से मसल के इस तरह से स्मूथ कर लेंगे, ये देखिए। और अब हम एक बराबर इसकी लोइयां तोड़ेंगे। लोई बहुत ज़्यादा छोटी नहीं तोड़ना है, थोड़े मीडियम साइज़ की हम लोई बनाएंगे इसकी। इस तरह से हम गोल करके अच्छी तरह से इसकी लोई तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी लोई बनाकर तैयार कर ली हैं। और अब चलिए बेलेंगे। बेलने के लिए अब हम इस पर डालेंगे ये सूखा आटा। दोनों तरफ से हम सूखा आटा लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बेल जाए। और ये मैंने आटे को लगा लिया है और अब हम इसको बेलेंगे। इस रोटी को हमें ना बहुत ज़्यादा मोटा और ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। देखिए, इस तरह से हमें बेल लेना है। और जितनी बड़ी रोटी हम बेलेंगे उतनी ही इसमें पट्टियाँ अच्छी लंबी कटेंगी। देखिए, इतना ही मोटा हमें इसे रखना है। और अब हमने जो ये घी का पेस्ट बना के तैयार किया था उसे अब हम इस पर रोटी पर लगा देंगे। इस तरीके से देखिए, चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। इसे हमें बहुत अच्छी तरह से लगाना है, तभी हमारी लेयर अच्छी बनेगी और पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसलिए हम इसको अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे। ये देखिए, मैंने उस घी के पेस्ट को लगा दिया है और अब हम इसमें डालेंगे ये सूखा आटा। और अब मैं इसे पिज़्ज़ा कटर की सहायता से काट रही हूँ। ये इस तरह से हमें इसकी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ काट लेनी है।
इससे हमें बहुत ज़्यादा छोटी पट्टियाँ नहीं काटनी है, इस तरह से ही हम चौड़ी पट्टियाँ काटेंगे। और अब हम इन पट्टियों को एक के ऊपर एक इस तरीके से रखते जाएंगे और अच्छी तरह से इसे सेट करते जाएंगे। ये देखिए, इससे लेयर बहुत अच्छी आएगी पराठे की। ये देखिए, मैंने ये सारी पट्टियाँ एक के ऊपर एक रख ली हैं और इसको थोड़ा सा ये हम एडजस्ट करते जाएंगे। ये देखिए, और ये आपको लेयर एक एक दिख रही होगी। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी लेयर बनी है। इस तरह से हम हाथ से फैला देंगे और ये उंगलियों की सहायता से अब हम इसे गोल गोल शेप देंगे। इस तरह से गोल करेंगे, ये देखिए दबाते हुए अच्छी तरह से हम इसको गोल करेंगे। और जो ये आखिरी हिस्सा है, इसे हम नीचे से अच्छी तरह से रख कर दबा देंगे ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको दबा दिया है और हाथ की सहायता से हम इसको धीरे धीरे इस तरह से फैला लेंगे ताकि ये अच्छे से गोल हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे ये सूखा आटा, और ये दूसरी साइड से भी मैंने ये सूखा आटा डाल दिया है इस पर, ये देखिए। और इसे हम धीरे धीरे हाथ से अच्छी तरह से फैला लेंगे इस तरह से, ताकि ये मसाला इसका बाहर ना आए, ये बटर भी बाहर ना आए, इसलिए मैंने इसको हाथ से पहले थोड़ा थोड़ा फैला लिया है। और अब चलिए, मैं इसे बेलन की सहायता से बेल रही हूँ। देखिए, इस तरह से ही हमें हल्के हाथों से इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसे नहीं बेलना है, नहीं तो मसाला बाहर आ जाएगा और लेयर भी अच्छी नहीं बनेंगी। ये देखिए, मैंने बेल लिया है और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी लेयर दिखाई दे रही है। बहुत अच्छे से हमारा पराठा बना है। और अब चलिए इसे सेकते हैं। इसे सेकने के लिए मैंने तवा गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा घी, और इस पराठे को हम इस पर तवे पे डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस पराठे को धीरे धीरे दोनों साइड से सेकेंगे। अब हम इस पर लगा देंगे एक साइड घी, आप चाहें तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे दबाते हुए धीरे धीरे इसी तरह से सेकना है, और ये फिर हम दूसरी साइड से सेकेंगे इसको, और फिर इस साइड भी हम इस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे इस तरीके से। और ये देखिए, जितना हम इसको अच्छी तरह सेकेंगे उतना ही क्रिस्पी बनेगा और इसकी एक एक लेयर अच्छे से हमें दिखाई देगी। ये देखिए, जैसे जैसे ये सिकता जा रहा है, इसकी एक एक लेयर हमें दिखाई दे रही है और बहुत ही क्रिस्पी हमारा पराठा सिककर तैयार होगा। ये मैंने दोनों साइड से पराठे को सेक लिया है और देखिए कितना बढ़िया लच्छेदार हमारा पराठा बना है। इसी प्रकार हम सभी पराठों को सेक कर तैयार कर लेंगे। इसे मैं टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा लच्छेदार पराठा बनके तैयार है। आप अपने पसंद की किसी भी चटनी या दही के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। और देखिए, मैं इसकी लेयर दिखाती हूँ, कितनी बढ़िया हमारी लेयर बनी है पराठे की। एक एक लेयर इसकी दिखाई दे रही है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हमारा लच्छा पराठा बनके तैयार हुआ है। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, इसी के साथ आपसे फिर एक और नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।